तो ये पता नहीं इसको साजिश कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन यदि साजिश भी है तो इस साजिश में उतनी ही जिम्मेदारी, उतना ही गंभीर अपराध जो है हमारे देश के राजनीतिक दलों का और नेताओं का है जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनना कबूल किया। तो हम बहुत बुरी स्थिति में फंस गए हैं और इसकी चेतावनी हम हमारे जैसे कई लोग बहुत पहले से दे रहे थे, जिसको अनदेखा किया गया, अनसुना किया गया। 91 के मुकाबले अभी हमारी स्थिति और गंभीर है, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से नहीं, हर दृष्टि से। अब हम पूरी तरह से विदेशी पूंजी पर निर्भर हो गए, हमारा हमने अपना स्वावलंबन खत्म कर दिया। जो स्वावलंबन, उस स्वावलंबन के बारे में भी कुछ क्रिटिक है, कुछ आलोचना है, सही आलोचना है, लेकिन जो भी जैसा भी हमने 1991 तक हासिल किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हमने अपनाई थी कि हमें विदेशी पे निर्भरता खत्म करना है, हमें अपनी जरूरत का अनाज देश के अंदर पैदा करना है, हमें अपनी जरूरत का के उद्योग देश के अंदर लगाना है, ये नीति पर हम 91 तक चले। 91 के बाद जितना स्वावलंबन, जितना जो है सेल्फ रिलायंस हमने हासिल किया था, उसको योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने का काम इन 20-22 सालों में हुआ। तो आज हम हर चीज के लिए विदेशी पूंजी पर आश्रित हैं, विदेशी कंपनियों पर आश्रित हैं। हमने अपने पेटेंट कानून को बदल दिया, उस पेटेंट कानून के कारण आज दवाएं बहुत महंगी हैं, यानी सिर्फ पेटेंट कानून के कारण नहीं है, और भी कारण है। पूरा जो लिबरलाइज किया गया इस क्षेत्र को, दवाइयों के उद्योग को, वो भी उसका कारण है। लेकिन उनका अमेरिका का पेटेंट कानून भारत में लागू होगा, यह हमने कबूल कर लिया। हमने जो पेटेंट कानून बनाया था, उस पेटेंट कानून में पेटेंट होते हुए भी बहुत सारी गुंजाइश थी कि जनहित में ये पेटेंट लागू नहीं होगा, इन चीजों का पेटेंट नहीं होगा, पेटेंट का पीरियड कम होगा। ये सारे भारत के जो पेटेंट कानून को एक मॉडल बनाया गया था, मॉडल माना गया था दुनिया के विकासशील देशों के लिए, उस पेटेंट कानून को हमने एक तरफ रख दिया और WTO के डिसिप्लिन को मानते हुए हमने अपने पेटेंट कानून को बदल दिया। हमने विदेशी पूंजी को छूट दी, हमने अपना व्यापार खुला कर दिया, हमने अपने हाथ काट लिए, अपने सारे कंट्रोल खत्म कर दिए। तो आज हमारी स्थिति ज्यादा नाजुक हो गई है। अब सवाल यह कि हम क्या करें। सरकार तो उसी दिशा में जा रही है, ज्यादा गहरे फंसती जा रही है। जैसे मैंने कहा ना कि इस क्राइसिस का उपाय सरकार को ही दिख रहा है, और ज्यादा विदेशी पूंजी बुलाओ, विदेशी पूंजी की और ज्यादा खुशामद करो, लेकिन ये इस दुष्चक्र में और ज्यादा फंसाएगा हमको। इसका उपाय तो यही है, इसके दो तरह के उपाय हमको करना होगा, कुछ तात्कालिक उपाय, इमरजेंसी उपाय, और कुछ दीर्घकालीन उपाय। तात्कालिक उपाय तो यही है कि जितना गैर जरूरी इंपोर्ट है उसको तुरंत हम बंद करें। हम सोने का आयात करने की क्या जरूरत है, हम पेट्रोल का जो गैर जरूरी खपत है उसको कम करें, उसको खत्म करें, उस पर रोक लगाएं। हम पूरे अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पर फिर से नए सिरे से विचार करें, और ये जो अपना विदेश व्यापार का घाटा है इसको खत्म करें। हम ये जो चंचल पूंजी है इसके ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करें। हम बाहर देखूं नीतियों की जगह भीतर देखूं नीतियां लागू करें। हमें अपने देश के विकास के लिए अमेरिका यूरोप के ऊपर आश्रित रहना खतरनाक है, जोखिम भरा है। हमारा देश विशाल है, इस देश की आबादी विशाल है। यदि इस देश की आबादी के हाथ में क्रय शक्ति आएगी, परचेसिंग पावर आएगी, तो हमें कोई एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में अपने आप जो है तेजी आएगी, डिमांड पैदा होगी, क्योंकि बाहर के ऊपर निर्भर रहना खतरनाक है। लेकिन देश की आबादी के हाथ में परचेसिंग पावर आए, इसके लिए आपको देश की आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ेगा। ये नीतियां आज देश में गैर बराबरी बढ़ा रही है, विषमता बढ़ा रही है। कुछ लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ रहा है, बाकी लोगों की हालत खराब होती जा रही है। दिखाई दे रहा है पैसा तो आ रहा है, लेकिन जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में तो इतना पैसा आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैसे का करें क्या, कहां लगाएं, सोना खरीदें या जमीन खरीदें या शेयर बाजार में लगाएं।
फिक्स डिपॉजिट में रखने में तो कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, तो सोने में लगा दो तो सोने के रेट बढ़ गए, जमीन में लगा दो तो जमीन के रेट बढ़ गए। जो भाई कोई किसान बेचारा खेती करने के लिए जमीन खरीदना चाहता है तो खरीद नहीं सकता, क्योंकि जमीन तो खरीद रहे हैं पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग। तो कुछ लोगों के हाथ में तो इतना पैसा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, क्या करें। और काला दो नंबर का पैसा है, तो इसको कहां इस तरह से इन्वेस्ट करें कि पैसा भी कमाए और छुपा हुआ भी रहे। लेकिन बाकी लोगों की हालत अच्छी नहीं है, तो इसको बदलने के लिए हमें देश में गैर बराबरी विषमता बढ़ाने वाली नीतियों को भी बदलना पड़ेगा। साधारण लोगों के हाथ में, किसानों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में पैसा भी आए और रोजगार भी पैदा हो। हमने जो नीतियां बनाई है वो रोजगार खत्म करने वाली नीतियां हैं, रोजगार पैदा करने वाली नीतियां हैं, जॉबलेस ग्रोथ है ये। एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं। दो तरह के क्षेत्र हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहां भी 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, सरकारी कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कोई आप कोई वकील अपना काम कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई मजदूर अपना मजदूरी कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई हम्माल काम कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई छोटी दुकान है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। किसान अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मछुआरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आदिवासी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपको मालूम है भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना हिस्सा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है? 7% से ज्यादा नहीं है, 7% से ज्यादा नहीं। आजादी के बाद प्लांट डेवलपमेंट की नीति अपनाने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देने के बावजूद, और उसके बाद 1991 से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी पे जोर देने के बावजूद, इस देश की कुल श्रम शक्ति के मात्र 7% को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम मिलता है, बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या, उसमें कुछ 1-2% लोगों को निकाल दो, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी बड़ी फर्म होगी तो अनऑर्गेनाइज तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये 2-4% को निकाल दो तो बाकी सब किसान हैं, मजदूर हैं, हम्माल हैं, बुनकर हैं, उन जिनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है, तो कैसे रोजगार मिलेगा? और रोजगार मिलेगा तो कैसा रोजगार मिलेगा? तो ये जो नीति हमने अपनाई है, ये नीति सिर्फ 91 के बाद की नहीं है, 91 के बाद ज्यादा हालत खराब हुई है, लेकिन 91 के पहले की जो नीति है, इसको मैं ऐसे कहता हूं कि 47 के बाद या 1950 के बाद जो हमने नीति अपनाई वो विकास नीति, और 91 के बाद जो नीति अपनाई वो अर्थ नीति, ये दोनों में दोष था। उस विकास नीति में भी दोष था और इस अर्थ नीति में भी दोष था। तो ये जो संकट है इसकी जड़ें 91 के बाद जो नीतियां अपनाई उसमें तो है, पर 91 के पहले जो विकास नीति अपनाई नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, गांधी जी के रास्ते को छोड़कर, लोहिया और जेपी के रास्ते को छोड़कर, वो भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ है, तो इसको बदलना पड़ेगा। लोगों के हाथ में रोजगार आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, तो हम अपना विकास खुद कर लेंगे, हमें विदेशियों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो समता, सादगी, स्वावलंबन, ये तीन सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसके आधार पर भारत की अर्थनीति को, अर्थरचना को, अर्थव्यवस्था को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, गढ़ना पड़ेगा, तभी हम ऐसे संकटों से दूर हो सकेंगे। नहीं तो जिस विकास नीति और जिस अर्थनीति पर हम चल रहे हैं, इससे देश का भला तो नहीं हो रहा, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है लेकिन लोगों का भला नहीं हो रहा है, इस देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, नौजवानों का भविष्य अच्छा अंधकारमय हो रहा है,
वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती है, हम कहते हैं हम हिंदू ग्रोथ रेट से ऊपर आ गए हैं, हम उसको उपलब्धि बताते हैं, वो भी एक बुलबुला साबित होती है, एक गुब्बारा साबित होती है, फूल रहा है, लेकिन कब फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो नई व्यवस्था है, यह नए न केवल देश की जनता के हित में नहीं है, बल्कि ये सस्टेनेबल भी नहीं है, ये चलने वाला भी नहीं है। हम सस्टेनेबिलिटी शब्द का उपयोग आमतौर पे पर्यावरण के संदर्भ में करते हैं, परिवेश के संदर्भ में करते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी, देश के आर्थिक भविष्य की दृष्टि से भी ये चलने वाला नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। इसमें दोनों बुराइयां हैं, दोनों खतरे हैं, देश हित के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है, और कभी भी संकट पैदा करने वाला है। तो हमें इसके खिलाफ एक आवाज उठानी पड़ेगी। जाहिर है कि मनमोहन सिंह या चिदंबरम या विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो ये काम नहीं करेंगे, तो इस देश को संकट से बचाने के लिए, देश की अर्थनीति को बदलने के लिए हमें देश की राजनीति को भी बदलना पड़ेगा। इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये आज चुनौती है देश के सामने, या जो लोग देश के भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत भी विचार करते हैं उनके सामने ये चुनौती आज है। इस चुनौती का हम कैसे मुकाबला करते हैं, क्या जवाब देते हैं, इसके ऊपर इस भारत देश का भविष्य निर्भर करेगा। धन्यवाद।